ਚਾਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਜ ਸਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪਕੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤੀਨ ਬਾਰ ਮੈਨੇ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਪੜ ਗਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਚਾਇਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਜ ਗੜਦਾ ਉੜਾ ਦੇਣਾ, ਆਜ ਸਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਰੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਫਟਾਫਟ ਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਲਾਈਵ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਥੰਬਸ ਵੀ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਔਰ ਆਜ ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਮਸਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, तो फटाफट से जितना जल्दी शेयर कर देंगे उतनी जल्दी ही क्लास को स्टार्ट कर देंगे, जल्दी से फटाफट फास्ट फास्ट गर्दा उड़ा देंगे आज। गर्दा मेरे दोस्तों, गर्दा ऐसा गर्दा उड़ा देंगे कि जो आज तक आपने सोचा ना हो, फटाफट से। कल नेटवर्क की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो नो टेंशन, आज उस सारी गुस्सा को उतार लेंगे। सोनी शर्मा जी नमस्ते, सोनी शर्मा जी फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पर सब पर दबा करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, फटाफट से, और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कल हमने चाइना तक तो पढ़ ही लिया था, और थंबनेल पर आज सारे के सारे नाम पड़े हुए हैं, और 6 देश और आज हमको कवर करने हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम कवर करेंगे म्यांमार को। ठीक है, फटाफट से कर दीजिए वीडियो को शेयर। आज हम कवर करेंगे म्यांमार को, यानी कहने का मतलब बर्मा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या लेकिन कवर करेंगे आज सबसे पहले। नमस्ते सालू राठौर जी, नमस्ते, और कैसे हैं आप लोग। पंकज कुमार जी हाय, फटाफट से वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आज करेंगे हम म्यांमार को कवर, और देखो पीओके को, सॉरी पाक को हम पढ़ चुके थे, और पाक के बाद में हमने अफगानिस्तान को कवर कर लिया था मैंने, इसी वजह से कल का बना हुआ ही मैप नहीं मिटाया है, क्योंकि कल आपकी क्लास अचानक से ब्रेक हुई थी। अफगानिस्तान को हम कवर कर चुके थे, और इधर से हम कल की क्लास में कवर कर चुके थे चाइना को, और जैसे ही हम म्यांमार पर एंट्री किए थे उसके बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था, तो उस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज हम म्यांमार को कवर करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मैप के अंतर्गत, कल की क्लास में ये कवर कर लिया, ये पीओके है, ये हमारा अक्साई चीन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और मैंने आपको बताया था कि 1959 में जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें से पाकिस्तान ने चाइना को एक कुछ भाग गिफ्ट कर दिया, जो अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। डोकलाम पठार को हम कवर कर चुके थे, ठीक है, एंट्री करना था हमारा किस पर, म्यांमार पर। तो ये सारा का सारा जो आप मैप यहां पर देख रहे हैं, ये किसका है, म्यांमार का है, यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में बर्मा, जिसे पहले बोला जाता था। तो सबसे पहला ही पॉइंट, जय हिंद दिनेश कुमार जी, जय हिंद। तो सबसे पहला ही पॉइंट निकल करके आता है कि आखिरकार म्यांमार है क्या, तो इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यह एक भारत का हिस्सा था, या क्या था, एक भारत का हिस्सा था पहले। दूसरी कंडीशन आती है कि सेपरेटेड कब हुआ, या सेपरेटेड कब हुआ,
आज बता देना, आज बफरिंग तो नहीं हो रही है, यानी कहने का मतलब यह भारत से अलग कब हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत से अलग हुआ वह 1937 में हुआ, और 1937 में जब अलग हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो भारत शासन अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था जो कि 1935 में आया था, उसके तहत ही इस एक्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में सेपरेट किया गया था भारत से किसको, म्यांमार को, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बर्मा को। अगला पॉइंट आता है कि बताइए सर इसका ओल्ड नेम क्या था, तो ओल्ड नेम के बारे में सब जानते हैं कि इसका ओल्ड नेम था बर्मा। ओल्ड नेम क्या था सर, ओल्ड नेम था बर्मा, ठीक है। अब बहुत बात आती है यहां से आगे निकल करके, सब कुछ क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई बफरिंग तो नहीं है, केवल मुझे इतना तो कमेंट करके बता दीजिए आप कि कोई बफरिंग तो नहीं है। तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इससे हम थोड़ा सा नीचे के लिए आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड एनजी लिखे दे रहा हूं, एन जी लिखे दे रहा हूं, समझ जाना, नागालैंड, नागालैंड हो गया, ये हो गया हमारा मणिपुर, और ये हो गया हमारा मिजोरम, और ये हो गया हमारा त्रिपुरा, ये हमारा मेघालय, ये हमारा असम है, ये भूटान, ये सिक्किम, ये नेपाल, और ये हमारा वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहला पॉइंट अब यहाँ से ये निकल करके आता है कि सर म्यांमार से भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो टच करते हैं, जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो एक तो एपी लिखे दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। दूसरा क्या हो गया आपका, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के बाद में दूसरा क्या हो गया आपका, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है आज, चलो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको नेटवर्क प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका हो जाएगा नागालैंड, और अगर हम नागालैंड से भी नीचे आते हैं तो नागालैंड से नीचे हो जाएगा हमारा मणिपुर, और मणिपुर से भी नीचे आते हैं तो मणिपुर से नीचे हो जाएगा हमारा मिजोरम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के साथ में म्यांमार इन इन स्टेटों से बाउंड्री को शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम। अगला पॉइंट निकल करके आता है कि सर इसकी बाउंड्री जो भारत से शेयर होती है वो कितनी होती है, तो सर 1643 किलोमीटर, तो 1643 किलोमीटर बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट है, वो क्या है म्यांमार के लिए, कि यह कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, यानी कहने का मतलब कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा का मतलब स्वर्ण पैगोड़ों का देश बोला जाता है इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह स्वर्ण पैगोड़ों का देश। आज सारी गुस्सा उतार लूंगा मैं, जो कल जितना भी मैं नेट से परेशान रहा हूँ उस सारी गुस्से को आज उतार दूंगा, ठीक है। आज टेंशन मत करना, क्लास कितनी लेंथी जा रही है, जितने भी नाम डले हुए हैं उन सबके बारे में आज हमको कवर करना है। तो इसको बोला जाता है स्वर्ण पैगोड़ों का देश। और बात आती है कि स्वर्ण पैगोड़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण पैगोड़ा है क्या, इसे आखिरकार क्यों बोला जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि गुम्बदें होती हैं, गुम्बद जो हमारे मंदिरों पर गुम्बदें होती हैं, मंदिर और मस्जिदों पर जो गुम्बदें होती हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भगवान बौद्ध के जो मंदिर होते हैं उनकी गुम्बद को ही क्या बोला जाता है, पैगोड़ा बोला जाता है। और म्यांमार के अंदर बौद्धों के ये पैगोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि गोल्डन के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं अधिकांश, इसी वजह से इसको कंट्री ऑफ क्या बोला जाता है, पैगोड़ा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में अगला ये निकल करके आता है कि सर बाउंड्रीज तो शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में 1643 किलोमीटर की, सर बाउंड्री का नाम क्या है, तो नाम के साथ में ये कोई बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, ठीक है। नाम के साथ में ये कोई भी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, इसकी बाउंड्री जो अलग होती है वो बाउंड्री केवल और केवल किससे होती है, घने जंगलों की वजह से और पहाड़ी की वजह से। तो एक पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, दूसरी पहाड़ी है नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर, तीसरी पहाड़ी है मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर, और चौथी पहाड़ी है मिजोरम और म्यांमार के पर, यानी ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं अरुणाचल प्रदेश, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पहाड़ियां पड़ती हैं, उन्हीं से इसकी बाउंड्री अलग होती है, और ज्यादा घने जंगलों के कारण इसकी बाउंड्री क्या होती है, अलग होती है। तो यहां से अगला पॉइंट निकल करके आता है कि सर ये जो हमारा बर्मा है, जो हमारा म्यांमार है, उस म्यांमार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार जो है वह किन किन पहाड़ियों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है भारत के साथ में। तो सबसे पहले पटकाई ब्रुम नंबर एक पर आती है, पटकाई ब्रुम,
पटकाई ब्रह्म सर कहां पर पड़ती है पहाड़ी, तो ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दूसरी पहाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये नागालैंड में पड़ती है, जो नागालैंड में पड़ती है म्यांमार के साथ बाउंड्री को शेयर करती है, जिसका नाम है नागा हिल। क्या नाम है? नागा हिल। ठीक है, कहां पर पड़ती है सर? तो आप आंसर क्या टिक करेंगे कि ये पड़ती है सर किसमें, ये पड़ती है सर म्यांमार और नागालैंड के बीच में। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैं नागालैंड लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद में सर तीसरे नंबर की पहाड़ी, और तीसरे नंबर की पहाड़ी का क्या नाम है? तो सर मणिपुर हिल। क्या नाम है? मणिपुर हिल। और मणिपुर हिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर हिल म्यांमार और बांग्लादेश मतलब म्यांमार और भारत को किससे अलग करती है, तो ये कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है मणिपुर में। इसके बाद में चौथी पहाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूं मिजोरम में, ये मिजोरम से सेपरेट होती है, तो यहां पर ये सर हिल का क्या नाम है? तो आप ध्यान रखेंगे मिजो हिल। क्या नाम है? मिजो हिल। तो ये किस किस से अलग होती है? तो ये मिजोरम और म्यांमार से, तो मिजोरम और म्यांमार, तो MZ लेके दे रहा हूं यहां पर। तो ये कंडीशन है। नमस्ते हिल एजुकेशन जी, नमस्ते। और क्या रीजन है जिसके कारण बाउंड्री जो है वो अलग होती है? तो ये चार पहाड़ी है जिसमें से अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है पटकाई ब्रह्म, नागालैंड में पड़ती है नागा हिल, मणिपुर में पड़ती है मणिपुर हिल, और मिजोरम में पड़ती है मिजो हिल। और किसके कारण अलग होता है? तो हाई डेंस फॉरेस्ट के कारण, हाई डेंस फॉरेस्ट। और हाई डेंस फॉरेस्ट का मतलब ही क्या हुआ? घने जंगलों के कारण। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पार्टिकुलर बाउंड्री नहीं है म्यांमार और भारत के बीच में, केवल और केवल पहाड़ी और घने जंगलों के कारण जो है बाउंड्री क्या होती है? शेयर होती है। क्लियर बात यहां तक? आई होप कि आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। म्यांमार को तो पढ़ ही रहे, वो भी मिट गया है, कोई बात नहीं। म्यांमार, ठीक है। इसके बाद में सर इसके साथ में नेक्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे नियरेस्ट कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार के सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सा पड़ता है? तो यहां पर नियरेस्ट कंट्री टू द अंडमान निकोबार या म्यांमार जो है वो किस कंट्री के सबसे नजदीक पड़ता है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे नियरेस्ट कंट्री टू द अंडमान निकोबार, तो वो है म्यांमार। तो नियरेस्ट, हाथ भी नहीं चल रहा है ठंड की वजह से, नियरेस्ट कंट्री टू द अंडमान निकोबार, जरा ध्यान से देखेंगे अंडमान निकोबार, तो वो क्या है? आप ध्यान रखेंगे म्यांमार। जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर मैंने क्या बोला कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा पड़ता है? अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश, जरा ध्यान से समझेंगे, सबसे नजदीक देश कौन सा पड़ता है? तो यहां पर आप आंसर टिक करेंगे म्यांमार। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर पूछा जाए नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार, अगर यहां पर पूछा जाए नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार, तो नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे नियरेस्ट कंट्री जो पड़ता है ग्रेट निकोबार के, वो पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, एक छोटा सा मैप बनाए दे रहा हूं, ये हमारी इंडिया, और इंडिया होने के साथ में म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो ये कंडीशन है। जैसा कि आप जानते हैं 1, 2, 3 और 4, ये हमारे चार द्वीप पड़ते हैं अंडमान निकोबार में ऊपर, और 3 द्वीप हमारे पड़ते हैं नीचे। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि बताइए अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक कौन कंट्री कौन सा है, तो यह है म्यांमार, जो कि यहां से बिल्कुल जस्ट नजदीक पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार ये वाला पार्ट है, तो ग्रेट निकोबार ये वाला जो द्वीप है अंडमान निकोबार का, इसके पास में कौन सा कंट्री पड़ता है? तो यहां पर कंट्री पड़ता है आपका इंडोनेशिया। कौन सा पड़ता है? इंडोनेशिया। अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो सबसे नजदीक पड़ता है, जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या है? सुमात्रा आइलैंड, यानी कहने का मतलब सुमात्रा द्वीप है। अब यहां पर आप समझेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा पड़ता है, तो आप यहां पर आंसर टिक करेंगे म्यांमार। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए
ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा पड़ता है? तो वो पड़ता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा द्वीप है, जिसकी डिस्टेंस कम है किससे? अंडमान निकोबार के इस पार्ट की अपेक्षा म्यांमार से। तो यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश, तो आंसर टिक करेंगे म्यांमार। क्वेश्चन पूछा जाए नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा है? तो आंसर टिक करेंगे इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप पड़ता है, उस सुमात्रा द्वीप से जो ग्रेट निकोबार है, जो हम ये दिखा रहे हैं ग्रेट निकोबार, ये हमारा क्या? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार सबसे नजदीक जो पड़ता है वो इंडोनेशिया पड़ता है। और टोटल अगर टोटल की बात की जाए कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा है, तो आप यहां पर करेंगे किसको? इंडोनेशिया को। ठीक है, आई होप यहां तक आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्योंकि आज सारी गुस्सा मुझे उतारनी है। ठीक है, आज सारी की सारी गुस्सा मुझे उतारनी है क्योंकि कल नेट का इशू काफी रहा है, काफी रात भर परेशान रहा हूं मैं नेट को लेकर के। लेकिन आज टोटल गुस्सा उतार के जाऊंगा, चाहे 3 घंटे हो जाए चाहे 4 घंटे हो जाए। ठीक है, अब अगली कंडीशन आती है कि सर म्यांमार के साथ में जो हमारे डिस्प्यूट है वो क्या है? ठीक है, जो हमारे डिस्प्यूट है, जो हमारे विवाद चल रहे हैं वो क्या है? तो जरा ध्यान से समझेंगे डिस्प्यूट के बारे में। तो डिस्प्यूट, सबसे पहला जो डिस्प्यूट है वो है दिफू पास। सबसे पहला डिस्प्यूट है दिफू पास। और दिफू पास की अगर हम बात करते हैं तो पास का मतलब होता है दर्रा, तो दिफू दर्रा। तो सबसे पहला डिस्प्यूट है दिफू पास दिफू दर्रा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि म्यांमार के साथ में हमारा दिफू पास दिफू दर्रे का विवाद जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। और दिफू दर्रे का लगातार किस तरीके से चर्चे में बना हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिरकार जो पास होता है, जो दर्रा होता है, वो क्या होता है? कि जो हमारी पहाड़ियां होती हैं उन पहाड़ी के बीच में से जो संकीर्ण रास्ता होता है, जो दो पहाड़ियों को अलग करता है संकीर्ण रास्ता, उसी को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो दो पहाड़ियों के बीच में एक नेचुरल जो रास्ता होता है, हमारा एक प्राकृतिक जो रास्ता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और दर्रे के अगर सिंबल की हम बात करते हैं तो दर्रे का सिंबल ये होता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दर्रा जो होता है वो दो पहाड़ियों के बीच में एक संकीर्ण रास्ता जो होता है, जो कि प्राकृतिक होता है, उसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो हमारा जो म्यांमार के साथ में भारत का जो विवाद चल रहा है वह एक दिफू पास के साथ चल रहा है, दिफू दर्रा के पास चल रहा है, या दिफू दर्रा के साथ चल रहा है। लेकिन बात आती है कि सर दिफू दर्रा कहां पर पड़ता है, किन किन देशों से इसका ताल्लुक है, या दिफू दर्रे की बाउंड्री जो है वो किन किन देशों से शेयर होती है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक तो उसमें इंडिया आता है, दूसरा जो आता है वो आता है चाइना या म्यांमार कर लीजिए, कौन सा आता है? म्यांमार। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है चाइना। अब ये भी लोकेशन देख लें कि आखिरकार है कहां पर। तो देखिए ये जो हम यहां पर दिखा रहे हैं कि देखो ये यहां पर क्या है हमारा चाइना, ये क्या है हमारा म्यांमार, और ये क्या है हमारा भारत। तो यहां पर हम जो आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, जो हम यहां पर आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, ये वाली जो हम यहां पर लोकेशन दिखा रहे हैं, यही है हमारा दिफू दर्रा। क्या है? दिफू दर्रा। ये है हमारा दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्राई पॉइंट है किसका? इधर से चाइना का, अरुणाचल प्रदेश की ओर से भारत का, और म्यांमार की ओर से भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दिफू पास जो है वो ट्राई पॉइंट है, दिफू दर्रा जो है वो ट्राई पॉइंट है इंडिया, म्यांमार और चाइना का। जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं ये जस्ट यहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ चाइना के ऊपर से और म्यांमार के इधर से। यानी कहने का मतलब म्यांमार के पश्चिमी साइड में अगर हम बात करते हैं, चाइना के दक्षिणी साइड में, और अगर हम बात करते हैं भारत के पूर्वी साइड में। तो ये है हमारा दिफू दर्रा। और इस दिफू दर्रे के साथ ही क्या चल रहा है? भारत का विवाद चल रहा है। और भारत का विवाद है किसके साथ में? तो इंडिया और, यानी ये विवाद है किस किसके साथ में? तो यहां पर आंसर होगा इंडिया और म्यांमार के बीच में। इंडिया और म्यांमार के बीच में ये क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अब ये है क्या, जरा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भारत ये दावा करता है यहां पर इस दिफू पास के बारे में कि यह हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यहां पर म्यांमार ये दावा करता है कि यह हमारी बाउंड्री को टच करता है, ये हमारे भी अधिकार में है। तो यहां से बात आती है कि आखिरकार ये जो दिफू दर्रा है, जो दिफू पास है, इसका विवाद आखिरकार क्यों है? तो इसका विवाद का रीजन क्या है? केवल और केवल व्यापार। अब व्यापार का मतलब ये हुआ कि जो हमारा दर्रा है दिफू दर्रा जो है, उस दिफू दर्रा से जितना भी ट्रेड होगा,
और उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो जिसके अधिकार में होगा उसके लिए जाएगा वो रेवेन्यू। तो यहां पर यह केवल और केवल एक ट्रेड को लेते हुए, एक व्यापार को लेते हुए, यह म्यांमार और किसके साथ में, भारत के साथ में यह विवाद चल रहा है कि जिसके अधिकार में यह दीपू पास होगा उसका जितना भी ट्रेड से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सब उसी के खाते में जाएगा। तो यहां पर यह विवाद इसी वजह से है। लेकिन विवाद चलते चलते मैं फिलहाल आपको बता दूं कि इस पर अधिकार किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पर अधिकार जो है वो किसका है, इंडिया का है। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। इस पर अधिकार किसका है, तो इंडिया का है। वो किसके ऊपर है ये विवाद, एक ट्रेड के ऊपर, के यह दर्रा हमारा है, यह दर्रा हमारा है। लेकिन ये वास्तव में बाउंड्री को बहुत कम टच करता है म्यांमार की को, और इसका ज्यादा भाग जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम भाग जो पड़ता है वो चाइना की ओर पड़ता है। यहां पर म्यांमार अपनी दावेदारी पेश करता है इस दीपू दर्रे के लिए, और भारत अपनी दावेदारी पेश करता है। लेकिन फिलहाल जो अधिकार है इस दीपू पास पर वो किसका है, वह है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दूसरा दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में जो है, वह दूसरा दर्रा जो पड़ता है वो पड़ता है आपका मणिपुर में। ठीक है, कहां पर पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, और मणिपुर में जो पड़ता है वो है तुजू पास। ये मणिपुर में ये वाला दर्रा यहां पर पड़ता है जिसका नाम है तुजू पास। क्या नाम है जिसका, तुजू पास। तो दूसरा दर्रा जो है वो है तुजू पास, यानी कहने का मतलब तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है यहां पर दूसरा है भारत और किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, जो किस बात को कनेक्ट करता है, मणिपुर को और म्यांमार को कनेक्ट करता है। ये तुजू पास है, एक दर्रा दीपू दर्रा है जो विवादित है, लेकिन तुजू पास जो वो यहां पर कोई भी विवादित नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ और सुथरे नक्शे के तौर पर यह बिल्कुल इनके दोनों के जस्ट बीच में पड़ता है, दोनों के साथ में बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। नमस्ते जी पंडित जी, नमस्ते। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तुजू जो दर्रा है, ठीक है, जो तुजू दर्रा है, इस तुजू दर्रे की क्या खासियत है, तो ये है किस किस के बीच में, तो नॉर्मल सी बात है ये सीधा का सीधा इंडिया और किसके बीच में, म्यांमार के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ठीक है, यानी भारत और म्यांमार के बीच में है ये। ठीक है, बात क्लियर, भारत और म्यांमार के बीच में, और भारत और म्यांमार के बीच में होने के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो तुजू पास दर्रा है ना, इससे बहुत ज्यादा तस्करी होती है, इससे बहुत ज्यादा तस्करी होती है, और जो तस्करी होती है वो दवाओं की होती है, मेडिसिन की तस्करी होती है इस दर्रे से होकर के। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। ये कंडीशन है म्यांमार के साथ में। ठीक है, इसके बाद अगली कंडीशन आती है कि म्यांमार के साथ में सर ये वाली कंडीशन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इनके बीच में। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन यानी ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, तो ऊंचा पर्वत आप ध्यान रखेंगे, ऊंचा पर्वत जो है वह कौन सा है जो कि पड़ता है कहां पर, म्यांमार में, तो आप ध्यान रखेंगे हकाकाबो राजी, हकाकाबो राजी, हकाकाबो राजी है, हकाकाबो राजी है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। और म्यांमार में सर पड़ता कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, तो म्यांमार में जो पड़ता है ना वह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की साइड में, म्यांमार में पड़ता है लगभग यहां पर पड़ता है, लगभग यहां पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की साइड में, म्यांमार में ये कंप्लीट पड़ता है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन है यहां पर म्यांमार के अंदर, जो है हकाकाबो राजी। और हकाकाबो राजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह बर्मा के एक प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बर्मा के एक प्रदेश में पड़ता है जिस प्रदेश का नाम है कचिन, तो बर्मा की यह पड़ता है कचिन प्रदेश में, यह बात ध्यान रखेंगे आप। और बर्मा के कचिन प्रदेश में है किधर की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व की ओर पड़ता है यहां पर यह कचिन, और कचिन प्रदेश में पड़ता है ये कहां पर, बर्मा में या म्यांमार में। ठीक है, किस में पड़ता है, म्यांमार में। पूछा जाए कि सर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई जो है वो 5771 मीटर है,
तो ये हकाका बुराजी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हकाका बुराजी जो है, रोहित शर्मा जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कि हकाका वो जो राजी है वो कहां पर पड़ता है, तो म्यांमार में पड़ता है, और म्यांमार में जो पड़ता है ये वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है। म्यांमार में किधर साइड पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के सर पूर्व में पड़ता है, तो म्यांमार के किस प्रदेश में पड़ता है, तो आप ध्यान रखेंगे कचिन प्रदेश में पड़ता है। क्लियर यहां तक? आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, और फटाफट फटाफट से बताते चलें कि क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद अगर अब मैप ही बना हुआ है तो मैप बना होने के साथ साथ ही साथ साथ कंप्लीट ही कर लेते हैं, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो मुझे बता देना, बाद बाकी उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री आ जाता है आपका बांग्लादेश। अब मैप बना हुआ है तो बांग्लादेश को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, बांग्लादेश को भी कवर कर लेते हैं। बांग्लादेश नेक्स्ट पर हम बात करेंगे, बांग्लादेश पर क्लियर है तो क्लियर है, तो बस कमेंट करके बताते रहिए क्लियर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताते रहिए। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वाला जो हम पार्ट दिखा रहे हैं आपको, ये जो हम देख रहे हैं ये वाला टोटल क्या है हमारा भैया, ये टोटल है हमारा बांग्लादेश। अब मैप बना हुआ है तो इसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं, नो टेंशन, ठीक है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है हमारा भैया, ये है हमारा बांग्लादेश, ये है हमारा क्या, बांग्लादेश। तो ये है हमारा बांग्लादेश, बी ए एन लिखे दे रहा हूं, समझ जाना। और इससे नीचे क्या पड़ती है, बी ओ बी, यानी कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है यहां पर इसके नीचे, और ये जो मैंने आपको दिखाया है टोटल, ये है हमारा बांग्लादेश। अब इसके बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ में क्या क्या कंडीशन है भारत की और क्या क्या विवाद है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1971, यानी इसकी स्थापना जो हुई थी, इट वॉज एस्टेब्लिश, यह जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1971 में, यानी कहने का मतलब यह स्थापित जो हुआ था वो कब हुआ था, या इसको जो नाम दिया गया ये जो अलग हुआ वह कब हुआ भारत से, तो आप ध्यान रखेंगे यह हुआ 1971 में अलग, और 1971 में जब यह अलग हुआ था ना तो यह ईस्ट बंगाल के नाम से हुआ था। किसके नाम से हुआ था, ईस्ट बंगाल के नाम से, जरा ध्यान से समझेंगे बेहद इंपॉर्टेंट है, ईस्ट बंगाल के नाम से ये जो है वो अलग हुआ था 1971 में भारत से। और जब 1971 में ईस्ट बंगाल के नाम से अलग हुआ था तो उसका रीजन क्या हुआ, जरा यहां पर आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 1971 की भी बात करते हैं तो 1971 में कंडीशन क्या हुई थी, यानी आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक इसमें एक बात ध्यान रखना, ईस्ट बंगाल अभी मत लिखो इसको, मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन, यानी इट वाज द एस्टेब्लिश 1971, यानी पूर्ण रूपेण बांग्लादेश जो नाम पड़ा, पूर्ण रूपेण जो बांग्लादेश नाम पड़ा ना, आप एक काम करना उससे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इट वाज द एस्टेब्लिश, यानी बांग्लादेश जो एस्टेब्लिश हुआ वो 1971 में, जो आज की डेट में जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं ना, वो कंप्लीट 1971 में बांग्लादेश हुआ, लेकिन उससे पहले ये अपने कई नाम रख चुका है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि कई नाम वो किस तरीके से रख चुका है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि 1947 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो भारत में एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का वायसराय बनकर के आया हुआ था ब्रिटेन से, तो लॉर्ड कर्जन ने यहां पर क्या देखा कि लगातार ये जो हमारा टोटल का टोटल एक बंगाल था, पहले क्या था, केवल अकेला बंगाल था, जरा ध्यान से समझना, केवल अकेला जो था वो बंगाल था, कोई ना तो ईस्ट बंगाल था ना कोई वेस्ट बंगाल था, केवल बंगाल था। लेकिन यहां पर इन बंगाल के लोगों में जिस समय भारत के अंदर अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय यूनिटी बहुत थी इन लोगों में, बंगाल के लोगों में एकता बहुत थी, और एकता जब बहुत थी तो ये जो है विरोध करने लगे अंग्रेजों का, जरा ध्यान से समझना, विरोध करने लगे अंग्रेजों का, और जब ये अंग्रेजों का विरोध करने लगे तो अंग्रेजों का विरोध करने पर कंडीशन ये निकल करके आई कि उस समय भारत का वायसराय जो था, उस समय भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड कर्जन, और जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था तो यहां पर देखने के लिए मिला कि बंगाल था केवल अकेला, न तो कोई वेस्ट बंगाल था न ही कोई ईस्ट बंगाल, तो यहां के लोगों में बहुत ज्यादा यूनिटी थी, और यूनिटी होने के कारण ये लोग कहां के, बंगाल के विरोध प्रदर्शन करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहां पर उस समय भारत का वायसराय था एक अंग्रेज लॉर्ड कर्जन,
तो लॉर्ड कर्जन ने यहां पर एक व्यक्ति को सर्वे करने के लिए पूरे के पूरे बंगाल में भेजा, जिसका नाम था रेजले। क्या नाम था? रेजले। तो रेजले नाम के व्यक्ति को यहां पर पूरे के पूरे बंगाल में, सारा का सारा बंगाल था, यानी जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बन गया, ये टोटल क्या था? बंगाल था। तो ये रेजले नामक व्यक्ति को लॉर्ड कर्जन ने उस समय सर्वे के लिए भेजा था कि देख करके आइए और मुझे रिपोर्ट दीजिए इस बात की कि आखिरकार इतना विद्रोह जो है हमारे खिलाफ यहां पर बंगाल में क्यों हो रहा है। तो इस रेजले ने जब आकर के रिपोर्ट दी यहां पर, तो रिपोर्ट ये दी कि अगर आपको 1857 के जो विद्रोह हुआ था, अगर ऐसा विद्रोह होने से आपको रोकना है तो यहां पर बंगाल को आपको दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। और यहीं से रणनीति स्टार्ट हो गई थी कि फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों की। तो यहां पर जब बंगाल की सर्वे रेजले ने की और रिपोर्ट लॉर्ड कर्जन को सौंपी, तो लॉर्ड कर्जन से रेजले ने रिपोर्ट में यही बात कही कि जो 1857 की क्रांति जो हुई भारत में, अगर उस 1857 जैसी क्रांति को अगर आपको भारत में रोकना है तो यहां पर आपको दो भागों में बंगाल को बांटना होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया कि दो भागों में जब बंगाल को बांटा, तो इस दो भागों में बंगाल को बांटा गया, तो एक ईस्ट बंगाल कर दिया गया और एक कर दिया गया वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अलग कर दी गई और हिंदुओं की वेस्ट बंगाल में संख्या जो है वो क्या कर दी गई? अलग कर दी गई। तो यहां से अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि अंग्रेजों ने ही बंटवारा किया था, यह भी एक भारत का हिस्सा था, लेकिन बंटवारा सबसे पहले जब हुआ तो सबसे पहले इस बांग्लादेश तो नहीं था इसका नाम, तो सबसे पहले इसका क्या नाम था, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये थी पूरी क्या, ये थी पूरी बंगाल। बंगाल का बंटवारा कर दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने किया तो एक को कह दिया वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल और एक को कह दिया ईस्ट बंगाल। तो सबसे पहले जब ईस्ट बंगाल बनाया था, तो ईस्ट बंगाल आज की डेट में जो बांग्लादेश है, तो सबसे पहले इसका नाम था ईस्ट बंगाल, ठीक है, जिसमें दो पार्टों में बांट दिया था हिंदू और मुस्लिमों को अंग्रेजों ने। और ईस्ट बंगाल जब जो बना था, तो ये बांटा गया था 1905 में, और 1905 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो ये ईस्ट बंगाल बना करके तैयार कर दिया 1905 में, और जब 1905 में ईस्ट बंगाल बना करके तैयार कर दिया, तो इसके जस्ट 6 साल के बाद में 1911 में भारत में जो है वह इंग्लैंड का महाराजा, या इंग्लैंड का महाराज जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम 1911 में विजिट करने के लिए आया। लेकिन 1911 में जो हम बात कर रहे हैं जॉर्ज पंचम की, इस जॉर्ज पंचम को आप जरा ध्यान से समझना, यह ब्रिटेन का महाराज था जॉर्ज पंचम, और 1911 में यह भारत का विजिट करने के लिए आया था। और जब यह भारत का विजिट करने के लिए आया था, तो इस दौरान जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को दोनों को अलग किया गया था ना, तो ये लोग और ज्यादा फड़फड़ाने लगे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के। और उसी दौर में 1905 के जस्ट 6 वर्ष के बाद में 1911 में ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम जो है भारत घूमने के लिए आया हुआ था। तो उस समय, इसके ही समय काल में, जॉर्ज पंचम के समय काल में बहुत ज्यादा धनराशि इसके स्वागत में खर्च कराई गई थी, यानी कहने का मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली का दरबार, ये सारे के सारे जॉर्ज पंचम के आगमन पर 1911 में ही तो भारत में बन करके तैयार हुए थे। लेकिन उसी दौरान होता क्या है कि उस समय भयंकर आपदा आई हुई थी, कहां पर? पूरे बंगाल में। और जब बंगाल में ज्यादा आपदा आई हुई थी, तो उसके कारण जो धन खर्च किया जा रहा था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, यहां पर इसका विरोध किया किसने? जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बंटवारा कर दिया गया था, उन लोगों ने यहां पर इसका क्या किया? विरोध किया। और विरोध किया तो इसी बात से कि विरोध ये लोग ना करें, तो आकर के जॉर्ज पंचम ने, यानी विरोध किस बात के लिए किया था? विरोध केवल इसी बात के लिए किया था कि जितना धन तुम जॉर्ज पंचम के स्वागत में खर्च कर रहे हो, जितना यहां पर बाढ़ आपदा आई हुई है उन लोगों के लिए खर्च करें तो काफी भला होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जॉर्ज पंचम ने 1911 में फिर दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक है, क्या मिला दिया? एक साथ। और एक साथ मिला दिया 1911 में, और 1911 में एक साथ मिलाने के बाद में फिर दोबारा से ये क्या बन गया? बंगाल बन गया पूरा का पूरा कंप्लीट। और बंगाल बनने के बाद में फिर ये 1947 तक ही क्या बन करके रहा पूरा का पूरा, फिर बंगाल बन गया 1947 तक। 1911 से 1947 तक जॉर्ज पंचम फिर इनको एकजुट करा करके चला गया, और ये पूरा फिर बंगाल दोबारा से बन गया। और जब ये पूरा बंगाल दोबारा से बन गया, तो इसके बाद में आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि 1947 तक ये ऐसा ही रहा। फिर 1947 के बाद में अगर हम बात करते हैं ना, तो 1947 में जैसे ही बंटवारा हुआ, 1947 में भारत और पाकिस्तान का जैसे ही बंटवारा हुआ, तो उस दौरान ये जो बांग्लादेश वाला पार्ट था ना, इसको बोल दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोल दिया गया? ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान का मतलब क्या हो गया यहां पर? पूर्वी पाकिस्तान, इसको नाम दे दिया गया।
और भैया जब पूर्वी पाकिस्तान इसको नाम दे दिया गया तो नाम कितने हो गए, सबसे पहले ईस्ट बंगाल बना, ईस्ट बंगाल बनने के बाद में 1905 में बना, 6 वर्ष के बाद में ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम 1911 में भारत का विजिट करने आया, इसके स्वागत में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया, जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल लॉर्ड कर्जन ने दो बांट दिए थे, इन्हीं लोगों ने इसके स्वागत में जो धन खर्च किया जा रहा था उसका काफी ज्यादा विरोध किया, क्योंकि उस समय काल में बंगाल में बाढ़ आपदा आई हुई थी और लोग जो है वो काफी क्या थे, पीड़ित थे, तो लोग इससे नाराज हुए, तो इसी वजह से जॉर्ज पंचम ने फिर एक कर दिया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को, और 1911 में जॉर्ज पंचम इनको एक करके चला गया और 1947 तक ये एक रहे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 में फिर से इस 1947 में फिर से इसको बांट दिया और इसका नाम फिर से रख दिया ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे पहले ईस्ट बंगाल, उसके बाद में ईस्ट पाकिस्तान, अब ईस्ट पाकिस्तान रख दिया, और यहां पर वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान से ही कनेक्ट कर दिया इस बांग्लादेश को, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान। अब यहां पर एक समस्या आने लगी, वो क्या कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो कनेक्टिविटी अगर यहां से जोड़ेंगे पाकिस्तान से तो उनको भारत में होकर के जाना पड़ेगा, तो यहां पर सबसे पहले राज्य पड़ेगा भारत का वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल वाले ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर यहां से होकर के बांग्लादेशियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बांग्लादेशियों तक नहीं आने देंगे, तो वेस्ट बंगाल ने यहां पर बिल्कुल इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद में ये बिल्कुल सेपरेट राज्य बनकर के तैयार हो गया 1947 से ही, तो 1947 से नहीं बल्कि 1971 से, तो 1971 से इसका नाम दे दिया गया क्या, इसका नाम दे दिया गया बांग्लादेश, तो ये बन गया बांग्लादेश, तो 1971 में ये बन गया भैया बांग्लादेश। और 1971 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करते हैं तो अब तक भी इसका नाम क्या है, करंट पोजीशन में भी वो भी क्या है, बांग्लादेश। क्लियर, क्या है, बांग्लादेश। तो यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या बना, ईस्ट बंगाल 1905 से 1911 छह वर्ष, उसके बाद में जॉर्ज पंचम ने फिर एक कर दिया, फिर क्या बन गया बंगाल 1911 से 1947, 1947 में फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया इसको, ईस्ट पाकिस्तान के बाद में फिर 1971 में फिर बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश 1971 से लेकर अब तक क्या है, इसका नाम बांग्लादेश है। आई होप कि यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो मुझे कमेंट करके आप फटाफट से बताइए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। पहले ये बताइए कि यहां पर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आया, समझ में आया तो फास्ट कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब बात आती है कि सर बताइए बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य की बाउंड्री जो है जो वो टच करती है, तो बांग्लादेश से अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के बारे में जरा ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो हम यहां पर देखने के लिए बात कर रहे हैं ना, ये तो ये वाली जो कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, टोटल वेस्ट बंगाल है, तो यहां पर बांग्लादेश से पहली बाउंड्री टच होती है वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल सिक्किम से भी बाउंड्री को टच करता है, भूटान से भी करता है, तो बांग्लादेश से सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच होती है, तो डब्ल्यू बी लिखे दे रहा हूं। वेस्ट बंगाल के बाद में अगर हम जाते हैं तो ये आपको दिख ही रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो असम वाला है, असम की बाउंड्री से एयर होती है, तो एएसएम लिखे दे रहा हूं। असम के बाद में अगर हम और जाते हैं तो असम के बाद में बात आती है किसकी, मेघालय की, मेघालय की बाउंड्री टच होती है, तो मैं यहां पर एमजी लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अगर मेघालय के बाद में अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेघालय के बाद में आपका हो गया त्रिपुरा, आपका हो गया त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की बाउंड्री टच होती है, तो मेघालय के बाद में त्रिपुरा की बाउंड्री आपके साथ टच होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ में ये वाली बाउंड्री भी तो है जो कि मिजोरम की पड़ती है, तो ये भी यहां तक भी तो बांग्लादेश है, तो अगली बाउंड्री हो जाती है हमारी मिजोरम की, ठीक है। तो बांग्लादेश किस किस के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, भारत के किस किस राज्य के साथ में, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये पांच राज्यों के साथ में भारत के ये बाउंड्री शेयर करता है। सर बाउंड्री कितनी शेयर करता है, तो आप ध्यान रखेंगे 4096 किलोमीटर, और 4096 किलोमीटर की बारे में भी बात करते हैं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, यानी कहने का मतलब सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में सबसे ज्यादा लंबी सीमा को रखता है बांग्लादेश भारत के साथ में, जो कि 4096। और जब हमने अफगानिस्तान पढ़ा था तो उसमें हमने बता दिया था कि अफगानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है जो कि 106 किलोमीटर है, ठीक है। बात क्लियर यहां तक,
बात क्लियर क्लियर बात यहां तक, आई होप कि यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप फटाफट से बताइए, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यहां तक बिल्कुल क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लियर है यहां तक। अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे फास्ट कमेंट करके आप बताएं कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो यहां पर मुझे सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सोनू ठाकुर जी क्लियर, चलिए तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है जिस डेल्टा को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, फास्ट मुझे कमेंट करके बताइए। प्रवीण कुमार जी का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट, सुंदरबन का डेल्टा, लेकिन अभी आपने सुंदरबन के डेल्टे के बारे में नाम ही नाम सुना है, और आज सुन लीजिए इसके कारनामे कि सुंदरबन के डेल्टा से रिलेटिव कितने क्वेश्चन बनते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सुंदरबन का डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हुआ हमारा सुंदरबन डेल्टा, कौन सा डेल्टा हुआ, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, ये सुंदरबन का डेल्टा पड़ता कहां पर है, तो ध्यान रखना आप, ये सुंदरबन का डेल्टा जो पड़ता है वह सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश। जरा ध्यान से समझना भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं कि पूरब की ओर का भाग तो बांग्लादेश में चला जाएगा, तो जो सुंदरबन का डेल्टा है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में इसका कुछ पार्ट पड़ता है। अब यहां से बात आती है कि सर इसका साउथ वेस्ट पार्ट जो है वो कहां पर पड़ता है, तो साउथ वेस्ट पार्ट पड़ता है इसका वेस्ट ऑफ बंगाल, या वेस्ट बंगाल में, सॉरी वेस्ट ऑफ बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल में। तो साउथ और वेस्ट पार्ट कहां पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब वेस्ट बंगाल में पड़ता है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार डेल्टा क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेल्टे की डेफिनेशन लेते हैं कि आखिरकार डेल्टा होता क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो डेल्टा होता क्या है, डेल्टा के बारे में हम समझते हैं। देखिए जैसे ये है हमारी नदी, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये नदी है। अब ये नदी है तो नदी में ये जल फ्लो हो रहा है, जल बह रहा है। अब जब नदी में जल बहता है तो नदी में जल जहां से स्टार्ट होता है वहां पर नदी में जल का वेग जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे ही लॉन्ग ट्रेवल कर लेता है जल, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी नदी में जल फ्लो होता है तो बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ लेकर के चलता है, क्या लेकर के चलता है, सेडिमेंट। अब सेडिमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेडिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। जब किसी भी नदी में जल का प्रवाह होता है, डेल्टा के बारे में बता रहा हूं, डेल्टा का मतलब क्या है, जब किसी भी नदी में जल बहता है तो बहुत सारे सेडिमेंट, बहुत सारे अवसाद लेकर के अपने साथ में चलता है, लेकिन अवसाद का बोझ वो तब तक ले पाता है जब तक उसकी नदी के जल का वेग जो है वो अधिक होता है। और जब कभी भी जल लॉन्ग ट्रेवल कर लेता है तो लॉन्ग ट्रेवल करते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसका वेलोसिटी जो है, वेग जो है जल का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वेलोसिटी ज्यादा होने पर जल का वेग कम हो जाता है तो
जो उसका एंड पॉइंट होता है, जो उसका मुहाना होता है नदी का, वहां पर जाकर के सारे सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब क्या हो गया कि ईंट पत्थर कंकड़ जूता चप्पल, समझ रहे हो, डेड बॉडी कुत्ता आदमी की डेड बॉडी सबको लेकर के ये अपने साथ में लेकर के चलता है। और जैसे जैसे इसका एंड पॉइंट पर जाकर के जैसे जैसे इसका वेग कम हो जाता है तो एंड पॉइंट पर जाकर के ना ये यहां पर इन सबको, जितने भी सेडिमेंट होते हैं जितने भी अवसाद होते हैं उन सबको क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और जब यह इकट्ठा कर देता है तो जहां पर ये सारे के सारे अवसाद इकट्ठे होते हैं ना वह एक फर्टाइल एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्टाइल एरिया बन जाता है। अगर फर्टाइल एरिया की हम बात करते हैं तो उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, उपजाऊ भूमि बन जाती है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, उपजाऊ भूमि बन जाती है। तो यहां पर उपजाऊ भूमि का निर्माण हो जाता है और जब उपजाऊ भूमि का निर्माण हो जाता है तो यह नदी के द्वारा जो सेडिमेंट जहां पर आकर के इकट्ठे होते हैं और जो फर्टाइल एरिया बन जाता है, जो उपजाऊ भूमि बन जाती है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब अगर हम उसको डेल्टा कहते हैं तो ये बनती कहां पर है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे ये बनती है मुहाने पर, यानी कहां पर बनती है, माउथ पर बनती है नदी के पर, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहाना। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी डेल्टाओं का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, नदी के मुहाने पर होता है। और नदी के मुहाने की बात करते हैं तो नदी का मुहाना कहां पर, जहां पर आकर के नदी के जल का वेग जो है वो कम हो जाता है और जितने भी सेडिमेंट होते हैं अवसाद होते हैं उनको आगे ले जाने में वह नदी का जल सक्षम नहीं होता है तो वहीं पर वह उनको इकट्ठा कर देता है, जहां पर फर्टाइल एरिया बन जाता है, उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, उपजाऊ भूमि बन जाती है। और ये बनती कहां पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बनती है मुहाने पर। ठीक है, बात क्लियर होगी यहां तक, बात क्लियर होगी। तो यह इस तरीके से बनते हैं हमारे डेल्टा। अब डेल्टा इस तरीके से बन जाते हैं तो यह सुंदरबन के डेल्टा के बारे में हम जानकारी करते हैं कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो आखिरकार कहां से कहां और किन कैटेगरी में। तो मैंने बोला कि इस सुंदरबन के डेल्टा का साउथ वेस्ट पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है तो सर ये किन किन नदियों से सुंदरबन का डेल्टा बनता है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है वह बनता है आपका गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र है इनके नाम। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये नदियां नेपाल में, सॉरी, जैसे ही ये नदियां बांग्लादेश में एंट्री कर जाती हैं, जैसे ही ये नदियां बांग्लादेश में एंट्री कर जाती हैं तो बांग्लादेश में गंगा को जो बोला जाता है वो बोला जाता है पद्मा के नाम से। किससे बोला जाता है? पद्मा के नाम से। और जो ब्रह्मपुत्र है उसे बोला जाता है जमुना के नाम से। यमुना नहीं है, जमुना है। मैंने बोला कि इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है जमुना के नाम से। और ये दोनों नदी मिलकर के एक धारा बनाती हैं और जो धारा बनाती हैं उस धारा का नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। तो ये मेघना धारा के द्वारा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरबन का डेल्टा किससे बनता है या किससे बना? तो मेघना धारा से। मेघना धारा बनी किससे? जिन नदियों को बांग्लादेश में पद्मा और जमुना बोला जाता है उन दोनों को मिलाकर के मेघना धारा का निर्माण होता है बांग्लादेश में। और इन पद्मा और जमुना को जब बांग्लादेश में यह बोला जाता है तो सर इंडिया में क्या बोला जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूछ लिया जाता है कि सर ये मेघना धारा बांग्लादेश में कहां पर जाकर के मिलती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये पड़ती है चांदपुर नामक स्थान पर जाकर के मिलती है। तो ये मेघना धारा चांदपुर में जाकर के मिलती है और मेघना धारा के द्वारा ही निर्माण हुआ है किसका? सुंदरबन के डेल्टा का। बात क्लियर है यहां तक? बात क्लियर यहां तक। तो अभी हम सुंदरबन के डेल्टा के बारे में बात की हमने कि सुंदरबन का डेल्टा कहां है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इस सुंदरबन के डेल्टा का साउथ वेस्ट पार्ट कहां पर पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यह सुंदरबन का डेल्टा बना किससे? इंडिया से जो नदी बहकर के जाती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जिन्हें इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, वही नाम बांग्लादेश में जाकर के पद्मा, गंगा को पद्मा बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। ये दोनों नदियां मिलकर के पद्मा और जमुना एक मेघना धारा बनाती हैं
जो मेघना धारा कहां पर बनाती है, तो बांग्लादेश के चांदपुर में। तो ये सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण किस धारा से हुआ, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे मेघना धारा से हुआ। क्लियर बात यहां तक? और दबा करके शेयर कर दो, लाइक कर दो, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत सारे कंट्री हमको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। अब आगे की कंडीशन क्या है, अब आगे की कंडीशन क्या है सुंदरबन के डेल्टा के बारे में, जरा ध्यान से समझेंगे। सुंदरबन के डेल्टा के बारे में केवल इन चीजों से ही काम नहीं चलना है जितना मैंने बता दिया है। जरा आप ध्यान से देखेंगे कि सुंदरबन के डेल्टा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका जो बेस्ट पार्ट है, यानी कहने का मतलब सुंदरबन के डेल्टा का जो वेस्ट बंगाल में भाग पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में, डब्ल्यू बी लिखे दे रहा हूं, सुंदरबन के डेल्टा का जो भाग वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो भाग पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, उस पश्चिमी बंगाल को सन 2019 में, अभी तो 2019 ही चल रहा है, करंट का क्वेश्चन है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, 2019 में इसको 27वां रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। 27वां रामसर वेटलैंड, रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है मेरे दोस्तों। तो जो भाग सुंदरबन के डेल्टा का पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको 2019 में अभी 27वां रामसर वेटलैंड का दर्जा मिला है। अब यहां पर बात आती है कि सर ये रामसर क्या है और ये वेटलैंड क्या है, तो सबसे पहले अब हम समझेंगे वेटलैंड के बारे में। सर वेटलैंड क्या है, उसके बाद समझेंगे कि सर रामसर क्या है। तो वेटलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वेटलैंड एक अपने आप में मार्सी एरिया होता है। क्या होता है? मार्सी एरिया। और सर मार्सी एरिया कैसे कहते हैं, तो मार्सी एरिया का मतलब होता है भैया दलदली क्षेत्र। तो यह वेटलैंड जो होता है वह एक मार्सी एरिया होता है, एक दलदली क्षेत्र होता है। इसके बाद सर ये और क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दलदली क्षेत्र होता क्या है, जहां कम से कम 8 महीने से पानी भरा हो, कम से कम 8 महीने से क्या भरा हो, पानी भरा हो। यानी कहने का मतलब दलदली क्षेत्र हम उसी को कह सकते हैं जो अपने ऊपर के सरफेस पर 8 महीने तक पानी को रोक सके, यानी पानी को नीचे न जाने दे, यानी दलदली क्षेत्र हम उसी को बोलेंगे जिनकी केस नलियां बिल्कुल टूट चुकी होती हैं, कैपिलरी ट्यूब जो है बिल्कुल टूट चुकी होती हैं, केस कात की घटना उसमें नहीं होती है। 8 महीने कम से कम पानी भरकर रखने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है उस भूमि में, उसी को हम क्या बोलते हैं, दलदली क्षेत्र, वेटलैंड कहते हैं। सर इसमें और क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे यह स्पंज ऑफ अर्थ बोले जाते हैं, यह स्पंज ऑफ क्या बोले जाते हैं, अर्थ। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर कि स्पंज ऑफ अर्थ बोले जाते हैं, तो यह पृथ्वी के स्पंज बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पृथ्वी के स्पंज बोले जाते हैं। जितने भी वेटलैंड होते हैं ये पृथ्वी के स्पंज बोले जाते हैं। और ये स्पंज नाम मेरे दोस्तों, वेटलैंड क्या होता है, बिल्कुल बता रहा हूं मिस्टर, वेटलैंड जो होता है वो मार्सी एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है।